गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ओके, लेट मी यू कम ऑन। आज हम सीखेंगे वो प्रोनाउंसिएशन कैसे होते हैं। ए से लेते हैं हम, ए से झेड तक ले लेंगे। ये पहली और दूसरी एबीसीडी में हम ये इस तरह लिखते हैं, मगर इसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, प्रोनाउंसिएशन के बारे में हम यहाँ सीखने चाहते हैं। मैं पढ़ाऊँगा आपको और ये सारे एडिटिंग और शूटिंग हमारा प्यारा प्यारा स्टूडेंट किशन सुरेश भाई परमार कर रहे हैं। मैं आपके सामने एक टीचर हूँ, पेंशनर हूँ और मैंने मीडियम इंग्लिश एमए बीएड एलएलबी किया है। 35 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ इंग्लिश टीचिंग। नाउ कम ऑन, फर्स्ट हियर CAT। हाउ आप कैसे पढ़ेंगे? कट बोलेंगे, कॉट बोलेंगे या कैट बोलेंगे? आप हम जब जानते हैं इसे कैट बोलते हैं, इसे लंबा कैट बोलते हैं। ए भी है और ई भी साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे कैट बोलेंगे। कैट, नॉट कैट बट कैट, लंबा इसका ऊंचा होगा। यहाँ लिखे दूसरा शब्द आया है रैक, रैक RACK, रैक, कैट, रैक। यहाँ देखे एग्जैक्टली इसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन इस तरह होता है एक्चुअली। डबल एल आता है, उसका उच्चारण एक ही होता है एक्चुअली। और आखिर में देखे HAD, हेड, कैट, रैक, एग्जैक्टली, एक्चुअली एंड हेड। उच्चार प्रोनाउंसिएशन होता है ए ई, यानी कि ए, कैट, नॉट कैट बट कैट, रैक, एग्जैक्टली, एक्चुअली एंड हेड। ओके, वेरी नाइस। ओके, स्टार्ट। देखें, हमने पहली बार तो ए का उच्चारण ए ई बड़ा ए होता है हिंदी में इस तरह। ये हम एक साथ एक सेंटेंस से बड़ा सेंटेंस है, देखते हैं कैट है, इसके पास क्या है, देखते हैं एप्पल्स ग्रीन कलर के हैं। देखिए एक्चुअली और यहाँ एक्चुअली और बोल उच्चारण होता है, यहाँ ए होता है एक्चुअली। That cat had HAD, had exactly 10 apples. Actually that cat had actually 10 apples. आप मेरे साथ भी बोले actually that cat had actually exactly 10 apples. Okay, यहाँ actually से start हुआ, actually that cat had exactly 10 apples. Okay friend, ये दूसरा जो प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण कैसे होता है, पहले हम देखें तो ए ई होता था ए, अब ई ए ई अ होता है, ई और अ, ए और अ होता है। देखो यहाँ सभी जगह पर देखें, ये सारे स्पेलिंग में आखिर में लास्ट में क्या होता आता है, ई आता है, बराबर है, ई आता है। तो जो आखिर में ई आता है तो इसका साइलेंट हो जाता है, इसका कोई भी उच्चारण होता नहीं है। तो रारे नहीं बोलते हैं, रेरे नहीं बोलते हैं, तो इसका उच्चारण रेर होता है, रे 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 और रे। इसमें क्या है, ये तो उच्चारण नहीं होगा CARE, इसका उच्चारण नहीं होगा, इसका कार भी नहीं बोल सकते। तो के और इसमें देखो इसका ई नहीं होगा, तो इसमें शार नहीं बोलेंगे, मगर शे और शेर, शेर स्टॉप शेर होता है, तो वही ऐसे बोलते हैं। ये है प्रिपेयर, प्रिपेयर में देखें ई का उच्चारण नहीं होगा, ये साइलेंट हो जाता है। यहाँ प्रीपेयर, प्रीपेयर,
पे पे और बुढ़िया संदेशा रेर केयर नॉट कार बट केयर शेयर प्रिपेयर ओके वेरी नाइस कम ऑन। चलो दोस्तों ये रूल्स नंबर 3 है ओके। अब इसका उच्चार कैसे होता है प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है देखिए इसका इस निशानी में आता है इसकी जो निशानी है ये है और इस तरफ दो पब्लिक स्टॉप्स यहाँ छोड़ते हैं देखें यहाँ देखें फादर फादर नॉट ए नॉट ई नॉट ए बट आ फा फा फादर फादर आई हैव आई वुड राधर राधर नॉट गो टू द बार बार इन माय कार कार नॉट केयर बट कार ओके मेरे साथ बोले फादर आई वुड राधर नॉट गो टू द बार इन माय कार अगेन आप बोलते फादर आई वुड राधर नॉट गो टू द बार इन माय कार तो आप समझे पी करो तरह स्टार्ट देखो हम एक का उच्चार करते हैं साउंड्स बोलते हैं साउंड्स लाइक आर आर दिस इज आर ओके आगे बढ़े किस तरह बोलते हैं उसके स्पेलिंग आर ओके स्टार्ट देखो स्पेलिंग देखे एफ ए टी एच ई आर हम जानते हैं अच्छी तरह जहाँ लास्ट में ई आर आता है इसका उच्चार और होता है फादर फा एफ ए एफ ए का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन आ होता है फादर फादर बाब देखो आर के टी एच ई आर राधर राधर ओके सी ए आर कार कारो कारो बी ए आर बार बार ज़्यादातर आप देखेंगे तो ए के बाद जब टी एच आता है ए आर आता है तो ज़्यादातर उच्चारण आ होता है ज़्यादातर उच्चारण आ होता है फादर राधर यहाँ टी एच है कारो कार बार स्टार इस तरह आप बोल सकते हैं। चलो हमारे सामने पेश हो जा रहा है हूँ तुमने समझाइश जम के अपने ने महेंद्र सर कीधु तू एनो उच्चार आ रीते थे छे टी एच आप आगर आवतो होय तो एने उच्चार आ बोली सकाय छे जम के फादर राधर कार जम के आर नी आगर ए आवतो होय तो एने कार बोली सकाय छे नॉट के रार जिम के बार स्टार फार मार्च एम बोली सकाय छे ओके दोस्तों तुम जानते हो कि ए का उच्चारण ए भी होता है ए भी होता है ए को होता है और आ भी होता है प्यारा किशन ने बताया आ भी होता है स्टार मार्च का फार एक बहुत दिया काम किया यहाँ एक का उच्चार अलग रूप में होता है इसे ओ कहते हैं ओ जहाँ दो यहाँ देखिए एक के बाद दो आता है दो कॉन्सोनेंट की दो व्यंजन आते हैं तो इसका उच्चारण बोलने का तरीका प्रोनाउंसिएशन ओ बोलते हैं देखो वाक्ड वाक्ड थ्रो आई वाक्ड थ्रो द वॉल वॉल ए के बाद डबल एन आया वॉल बॉल टॉल कॉल सेम हॉल हॉल एंड यहाँ ए बोला एंड उच्चारण ये होता है एंड आई सो एस ए डब्ल्यू आई सो डब्ल्यू भी आता है तो सो कहते हैं सो सो आई वॉक थ्रू द वॉल एंड आई सो द
तो उसी वाक्य में होगी, उसी सेंटेंस में आप हमने देखा कि एक के बाद दो व्यंजन आते हैं। देखो कॉल ए के बाद डबल एल है, बराबर है कॉल, तो ये केल नहीं बोलते मगर कॉल बोलते हैं, एक का उच्चारण ओ होता है। इस तरह वॉल एच ए डबल एल वॉल, इस तरह बॉल भी कहते हैं बी ए डबल एल बॉल कहते हैं, स्टॉल भी कहते हैं या एस्टॉल, मान लो कि ये टॉल है, टॉल कन्ने बड़ा है लंबा है टॉल टी ए डबल एल, मगर ये एल और के दोनों व्यंजन है, ये भी दो है एल एल, ये एल के है तो इसे भी वॉक टॉक टी एल के टॉक वॉक ओ बोला, इसका उस उच्चारण ओ होता है कॉल वॉल टॉल वॉल, इस तरह टॉक। यहाँ जिसके बाद डब्ल्यू भी आता है इसे के उच्चारण भी, इसका उच्चारण ओ होता है सो एस ए डब्ल्यू सो, देखना आर ए डब्ल्यू रो कच्चा रो, एल ए डब्ल्यू लो कायदा कानून, कायदा कानून कानून को लो कहते हैं एल ए डब्ल्यू, आर ए डब्ल्यू रो यानी कि कच्चा कॉल हॉल चॉल, यह देखो अलग अलग आया है वॉक टॉक टॉकिंग टॉकिंग बातचीत कर रहा है, और सो रो लो लो यानी कि काय काम डैड। ओके डियर फ्रेंड्स यू नो वेरी वेल ये का उच्चारण ई आई होता है, ई आई का उच्चारण कैसे होता है देखिए डब्ल्यू ए वाई वे 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 एस ए वाई से, एल ए वाई ले पड़ा हुआ से कहना, तो दिस वे डब्ल्यू ए वाई वे वे ई आई वे ई वे वे टी ए बी एल टेबल टेबल, और यहाँ ए बी एल एबल ए बी एल एबल एंड फेबल एफ ए बी एल फेबल, इस तरह हम देखते हैं आगे भी देखे चलो। तो मेरे साथ भी आप उच्चारण कीजिए आई एम नॉट एबल एबल टू पे द केबल फी, आई एम नॉट एबल टू पे द केबल बिल, ए ई आई इसका उच्चारण फाइव फिफ्थ थ्रू है, ये ए का उच्चारण है। चले आगे बढ़ते हैं बात। ओके ये एक्सेप्शन अपवाद है, कोई अपवाद है इस नियम के नहीं चलता ऐसा है। देखो मैनेजेबल, देखिए यहाँ ई ए आया है तो इस तरह बोलने की भाषा ए का उच्चारण ए ई होता है, मैं यहाँ आई होता है मैनी मैनेज मैनेज ए ज है मैनेज एवर मैनेजेबल नॉट ई आई वी कैन नॉट स्पीक, वे हम बोल नहीं सकते हैं इसका उच्चारण ऐसा नहीं कर सकते नॉट ई आई, तो मैनेजेबल 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 नॉट ई आई एक्सेप्शन है, इसे अपवाद कहते हैं। ओके थोड़ा इसमें प्रैक्टिस हो जाए तो एक का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन जो होता है ना ई आई होता है, ई आई यानी कि ए ए पेई डब्ल्यू ए वाई वे एस टी ए वाई स्टे रुकना केबल 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 एबल शक्तिमान होना एबल ए बी एल एबल टी ए बी एल टेबल टेबल ई आई टेबल और फेबल फे एफ ए बी एल। रूल्स सिक्स छठा रूल देखे तो बहुत अच्छी तरह एक का उच्चारण आई होता है आई,
ई होता है माइनस ऑन द क्लाइमेट क्लाइमेट मेट 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 मे आई मेट आर लेजिटिमेट बट प्राइवेट 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 लेजिटिमेट का अर्थ होता है नॉट फेक, ये झूठा नहीं है, लेजिटिमेट सच्चा है, लेजिटिमेट माय व्यूज आर ऑन द कमेंट्स आर लेजिटिमेट बट प्राइवेट बट प्राइवेट। इस तरह ए का उच्चारण सिक्स तरह होता है आगे। ओके आखिरी रूल देखते हैं, तो एक का उच्चारण अ होता है अ, और उच्चारण की भाषा में इस तरह लिखा जाता है अ अ अन अन अमेजिंग अमेजिंग बनाना ब ब ना फॉर अराउंड अराउंड अ पाउंड एंड अन अमेजिंग बनाना फॉर अराउंड अ पाउंड। अच्छा दोस्तों, यहाँ हमारा एक का उच्चारण कैसे होता है, किस तरह स्पेलिंग में आता है ये देख लिया, आगे दूसरा वीडियो में बी सी डी किस तरह बोला जाता है, क्या क्या प्रोनाउंसेशन होता है, तो हमारा प्यारा स्टूडेंट किरण किशन के साथ ये वीडियो एडिटिंग करेंगे, आप अच्छी तरह शिक्षा लेंगे, अच्छी तरह स्पेलिंग में याद रखें, ये वीडियो बार बार किए और लाइक करते रहें और शेयर भी करें, सब्सक्राइब तो अच्छी करें, तो फिर हम मिलेंगे, सी यू अगेन, बाय बाय।